एक नॉवल तरीका इस बार शुरू किया मनाने का, जो कि ओकेजन को रिलेट करे गांधी के साथ और गांधी की फिलॉसफी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज का फंक्शन मनाया गया और पूरा वो गांधीयन स्पिरिट को यहाँ पे जगाने की कोशिश की गई। करा साहब, अभी जिस तरह से जो ये पांच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे ज्ञानत पे वो मबनी नहीं है, उसके पीछे नफेरियस डिजाइंस हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए, कल को अगर रिजल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइन बात है। और उसमें जरूरत पड़ने पे, अगर वैसी कोई जरूरत हो, तो हमने पहले से कहा है, बिलखसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खोले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए, तो जरूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉइलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिजाइन थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, जब उनने देखा कि वो सारा फॉर्मूले उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालने। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के में कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की, क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है, और अपने अंदाज में, अपने तरीके से यहाँ पे जितने भी मीर कासिम और मीर जाफर हैं उनको आगे लाने की उनकी मंशा है। तो ये जो इंडिपेंडेंस का की रविश यहाँ पे शुरू हुई है, की है, ये एक नफेरियस डिजाइन के तहत है। यहाँ पे वोट को फ्रेगमेंट करके जो नियरेस्ट स्ट्रांग कैंडिडेट हो किसी भी जमात से, बट स्ट्रांग हो, उसको हराने की ये एक नॉवल तरीका इन्होंने किया, जैसा कि उन्होंने जम्मू में नहीं किया। तो ये जो छुटपुट वारदातें जिसको कहते हैं, वो हो सकती हैं, वो किसी भी जमात के दरमियान हो सकती हैं, बट उसके बुनियाद पे आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तारिक साहब, आज जो माहौल है, जो बीजेपी ने या उनके जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने मिल मिला के जो माहौल बनाया है, वो किसी भी राइट थिंकिंग वॉइस को उबरने नहीं देने, ये उनकी कोशिश है। वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, लेकिन अगर वो राइट थिंकिंग है और बीजेपी के या आरएसएस के लाइन ऑफ एक्शन से हटके है, उनको सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उन लोगों के वास्ते आज के दिन में बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने जेल रखी है। और आज आप देखते हैं, कई पिछले लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्लोरीफाई कर रही है बीजेपी कि यहाँ पे पीसफुल माहौल है, यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई कैलेंडर नहीं है, वगैरह वगैरह, ये ग्लोरीफाई जो कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि ये ग्लोरीफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं है, ये डर और दबाव और खौफ का है। कैसे? पहले आप देखते थे, अगर पानी के ऊपर औरतें निकलती थी प्रोटेस्ट करने, वो सड़क पे बैठती थी, आगे का ट्रैफिक भी बंद, पीछे का ट्रैफिक भी बंद, जब तक उसका उनका उनका बदावा नहीं होता था तब तक वो नहीं उठती थी, या पावर के ऊपर होता था तब तक नहीं उठते थे जब तक नहीं होता था। आज की डेट में आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं मिसाल दे सकता हूँ, बर्थना में बाजाबता उनके ऊपर FIR लगाया गया, क्योंकि वो पानी के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही थी।
पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपको FIR लगता है एंड देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को मैं हेरा फेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर UAPA भी लगाया जाता है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है जो ये खामोशी जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये एक्चुअली